इवन जो चुनाव 17 से लेकर 22 तक हमारी सरकार थी, तो सरकार के 5 साल चलने के बाद इनके कॉम्बिनेशन जो होता है उसका प्रभाव तो हर जगह पड़ता है। उसके बाद भी जो ताकतें हमको हराने के लिए लगी हुई थी, उसके बाद भी हम बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें पाए। तो हम लोगों को लगता है कि हम लोग जो चुनाव में उतरे थे तो हमारी जो अपेक्षा थी उसमें हमारी अपेक्षा के अनुरूप सीटें मिली, उसमें कोई कमी नहीं आई। जनाधार में हमारे कोई गिरावट नहीं आई, हमारा वो परसेंटेज बढ़ा है, घटा नहीं है। तो इसमें कोई बहुत, और चुनाव तो चुनाव होता है, इसमें कोई विपक्ष का जो बार बार आरोप लगाती है कि हिंदू मुस्लिम के बदौलत जो भाजपा चुनाव जीती है, उसको लेकर क्या है? नहीं, ये जो विपक्ष आरोप लगाता है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर भाजपा चुनाव जीतती है, तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि वो क्या, वो कौन सा काम कर रहे हैं? वो भी तो वो हम तो कम से कम और हम तो हमारा तो नारा है कि सर्वे हो तो सुनना सर्वे स्वराज, और पूरे बंधुत्व के आधार पर हम काम करते हैं। हम जो वहाँ पर शासकीय योजनाएं हैं, जो सरकार के काम है, उसमें हम जिस प्रकार से मुस्लिम को जो हिंदू को दे रहे हैं वही मुस्लिम को दे रहे हैं, जो बैकवर्ड को दे रहे हैं वो अगले जातियों को भी दे रहे हैं। तो इसमें तो कहीं नहीं दिखता कि और वो कर क्या रहे हैं। वो खुद इन ताकतों और इन दो ताकतों में बांट करके और अपना जो इतना उन्होंने प्राप्त किया है उसी बंटवारे का नतीजा है कि वो प्राप्त किए। नहीं तो जो भारतीय जनता पार्टी की योगी के नेतृत्व में जो सरकार चली उसमें आप लोग देखेंगे चुनाव के बीच भी जनता का जो रुझान था वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यों के प्रति समर्थन का था, और वो उनका उनके पास कुछ है नहीं तो इस टाइम बसपा का जादू में चलना है। क्या भाजपा को फायदा हुआ या सपा को फायदा हुआ? बसपा का जादू न चलना, तो बसपा का जादू चलने से भाजपा और भाजपा का फायदा क्या होना और क्या सपा का फायदा होना? वोट जो है, जब आप आपके कामों से जब वोटर नाराज होता है कहीं ना कहीं शिफ्ट होता ही है, तो वो कहाँ शिफ्ट हुआ इसका अंदाजा तो अभी चल रही है समीक्षा लगेगा क्या होगा। पूरे चुनाव में 91 से लेकर 89 से भाजपा जो राम मंदिर का मुद्दा उठाती है, क्या इस चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा जो भुना नहीं पाई होगा या लोग उसको पसंद नहीं कर पाए? नहीं, राम तो हमारी आस्था के केंद्र है और आस्था के केंद्र को कभी हमने चुनाव मुद्दा बनाया नहीं। अब हम जय श्री राम बोलते हैं तो कोई कहता है कि ये मुद्दा है, और श्री राम जय श्री राम कहना, जय सियाराम कहना, ये भी मुद्दा है, मुद्दा बनाइए आप। लेकिन कभी भी हमने राम को नाम पर मुद्दा नहीं बनाया। राम हमारी आस्था का विषय है, हमारी श्रद्धा का विषय है, और अयोध्या की जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर बनाना चाहिए। ये ज्ञान देके पहले से भी हम लोग करते चले आ रहे हैं, लड़ते चले आ रहे हैं। और हम लोगों ने ये भी कहा था कि कोर्ट का हम कोई जो कोर्ट का फैसला होगा मानेंगे, और कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। आज राम मंदिर बन रहा है और भव्य राम मंदिर बहुत जल्दी बनकर सारे विश्व के सामने खड़ा हो जाएगा। ये कब तक तैयार हो जाएगा और कब से लोगों को तेजी से काम चल रहा है, और हमको लगता है कि 24 तक ये दर्शन के लिए भव्य मंदिर का दर्शन सामने आ जाएगा। भाजपा दोबारा सत्ता में आई, इसका श्रेय मोदी को जाता है योगी को? नहीं, इसका श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को जाता है, समर्पित कार्यकर्ताओं को जाता है, सिद्धांतों को जाता है। और वह भाजपा व्यक्तिवादी पार्टी है नहीं, इसलिए इसमें मोदी और योगी को श्रेय जाता है। उनके काम से लोगों हमारा जन समर्थन बढ़ा है, लेकिन वास्तव में हमारे सिद्धांतों के प्रति ये समर्थन। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? राज्य की कानून व्यवस्था तो बहुत दुरुस्त है और बहुत अच्छी है, पहले भी थी, और उसका प्रतीक ये है कि अखिलेश यादव चुनाव में पहले कानून व्यवस्था बोलते रहे, बाद में उनको भी मानना पड़ा कि बुलडोजर की सरकार है। माने जब बुलडोजर सामने है तो कानून कैसे नहीं ठीक है? जब बात बुलडोजर की आती है तो कई बीजेपी शासित राज्यों में वो बुलडोजर योगी की तर्ज तो बुलडोजर राज चल रहा है। अच्छा काम में तो अनपढ़ होना चाहिए, कर रहे लोग तो अच्छी बात है। अच्छा, अभी हाल में आप भेल के निदेशक भी बनाए गए हैं। भेल हाँ, भेल के जो उसको लेकर अभी क्या प्रगति है, क्या काम हो रहा है? वो तो गोपनीय है, वो नहीं बता सकते, रक्षा मंत्रालय से संबंधित।